हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साक्षात रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा। लौकी के हलवे में हम देसी घी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे हम सिर्फ दूध और लौकी के साथ बनाएंगे, मगर ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगा। और खास बात, इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट लौकी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। हाँ, मगर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में ही है बेल आइकन, इसे प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट्स है लौकी। इस लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और पोंछ लिया है, और अब इसे हम पीलर से छील लेंगे। तो लौकी को हमने छील लिया और अब इसका हम डंठल वाला जो पार्ट है इसे हम कट करके निकाल लेंगे, और जो ये आगे का पार्ट है इसे भी हम काट कर निकाल लेंगे, और बाकी की बची हुई लौकी को 3 से 4 इंच के टुकड़ों में काट लेंगे, ताकि ग्रेट करते वक्त हम अच्छे से हैंडल कर सकें। तो इन सभी पीसेस को हम एक बार फिर से धो लेंगे। तो ये बाउल में मैंने पानी ले लिया है और इसमें अच्छे से इनको धोकर निकाल लेंगे। सभी पीसेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और अब ये मैंने ले लिया है ग्रेटर, और ये सबसे मोटा वाला हिस्सा और ये उससे पतला, तो इसी से हमें कद्दूकस करना है। बहुत ज़्यादा मोटे वाले से नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक करना है, तो मीडियम वाले से हम इसे ग्रेट कर रहे हैं। और ये देखिए, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हमने ग्रेट कर लिया, और बीच में जो ये सॉफ्ट वाला पार्ट, इसमें बहुत ज़्यादा बीज होते हैं, इसे हमने अलग कर लिया है, इसके बाद में हम सब्जी बना सकते हैं। और अब ले लिया है मैंने एक कुकर, इसे गर्म होने के लिए रख दिया, और जो ग्रेट की हुई लौकी है इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम बिल्कुल भी घी नहीं डालेंगे, इसे हम ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं। तो लौकी को बस थोड़ी देर हमें रोस्ट करना है, और अब इसमें हम डाल देंगे 30 ml दूध, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसे 2 सीटी आने तक पका लेंगे। और अभी हमने कुकर को दूसरे बर्नर पे शिफ्ट कर दिया है, और इस बर्नर पे हम ले लेंगे एक पैन और उसमें डाल देंगे 1/2 लीटर दूध, और उसे हमें बॉईल करना है। और इसे हम दूध को हमें लगातार चलाते हुए पकाना है, और साइडों से भी स्क्रैप करते जाएंगे, इसे हमें गाढ़ा करते जाना है। तो इसे हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर रहे हैं, और ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक थिक हो चुका है, ये लगभग आधा रह गया है, और ये देखिए दूध और भी ज़्यादा थिक हो गया। बस थोड़ी देर और इसे हम कुक करेंगे और मावा हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए मावा लगभग हमारा रेडी हो चुका है, और इसे अब हम धीमी आंच पर पका रहे हैं। तो अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर लिया, और ये जो मावा हमने तैयार किया है इसे अलग बाउल में निकाल कर रख लेंगे। और जब तक हमने मावा तैयार किया तब तक हमारी जो लौकी है ये भी रेडी हो चुकी है, और 2 सीटी आने के बाद प्रेशर भी निकल चुका है, और लौकी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल भी इसमें दूध भी नहीं बचा हुआ है, और सेम पैन जिसमें हमने खोया तैयार किया था उसी में हम उबली हुई लौकी को डाल देंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे एकदम दूध की उतरी हुई फ्रेश मलाई, ये 2 चम्मच मलाई हम इसमें डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धीमी आंच पर हम इसे कुक कर रहे हैं,
और अब मलाई अच्छे से लौकी में मिक्स हो चुकी है। और अब इसमें हम डाल देंगे हाफ कप शुगर। आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो शुगर डिज़ोल्व होते ही इसमें पानी छूटने लग जाएगा। ये देखिए शुगर पिघलने के बाद देखिए काफ़ी पानी हो चुका है। इस पानी को भी हमें जला लेना है। तो इस पानी के साथ भी हम लौकी को अच्छे से कुक कर लेंगे। इस वीडियो में यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे मावा जो अभी अभी हमने तैयार किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लौकी में मावा डालने के बाद वो हलवा दिखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें खोए का भी स्वाद आता रहता है। और अब हम डाल देंगे इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने काजू और बादाम को पतला पतला काट लिया है और इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर कुक करेंगे इसको हम। और अब लास्ट में हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो लगभग एक छोटी चम्मच हमने इलायची पाउडर ले लिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हलवे को हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये पैन से अलग ना होने लग जाए। तो बस अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और हलवा हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है लौकी का हलवा बनाना। इसमें हमने देसी घी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है। तो आप भी बहुत आसानी से बिना देसी घी के लौकी का हलवा बड़ी आसानी से बना सकते हैं।